ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। ANI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अपनी चार्जशीट में एक बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। जांच एजेंसी ANI ने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक बार फिर मुंबई में बड़ा आतंकी हमला करना चाहता है। इसके लिए दाऊद ने पाकिस्तान से पैसे भी मुंबई भेजे थे। पैसे हवाले के जरिए पाकिस्तान से सूरत और सूरत से मुंबई आए थे। हालांकि हमले के लिए और भी पैसे आने थे। इससे पहले ही NIA ने डी कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। इस बाबत NIA ने अपनी चार्जशीट में पूरा खुलासा किया है कि कैसे दाऊद एक बार फिर मुंबई को आतंकी हमले से दहलाने की फिराक में था। NIA के मुताबिक 25 लाख रुपए की पहली किस्त पाकिस्तान से मुंबई आई थी। यह पूरा पैसा दाऊद का करीबी छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम के पास आया था। बता दें कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और फिलहाल वह ISI के इशारों पर काम करता है। दरअसल बीते दिनों NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने शनिवार को भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और गिरफ्तार किए गए 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। NIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोप पत्र वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह अर्थात डी कंपनी से संबंधित एक मामले में दायर किया गया, जो भारत में विभिन्न आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक NIA के प्रवक्ता ने कहा कि मामला 3 फरवरी को पुलिस थाना NIA मुंबई में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। जिन 3 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें आरिफ अबू बकर शेख, शबीर अबू बकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी शामिल है और ये सभी मुंबई के रहने वाले हैं। प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति एक आतंकवादी गिरोह और एक संगठित अपराध गिरोह डी कंपनी के सदस्य हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देकर गिरोह की आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची। NIA ने कहा कि साजिश को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने लोगों को धमकाकर भारी मात्रा में धन जुटाया, एकत्र किया और जबरन वसूली की, जो डी कंपनी के लाभ के लिए था और वर्तमान मामले में एक आतंकवादी के लाभ के लिए था। साथ ही यह भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से और आम जनता के मन में आतंक पैदा करने के लिए था। प्रवक्ता ने कहा था कि जांच में यह भी पता चला कि गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को हवाला चैनल के माध्यम से विदेश में स्थित फरार वांछित अभियुक्तों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, जो लोगों के मन में आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में सनसनीखेज आतंकवादी आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए था। प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद से अर्जित आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में थी। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।